नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। आज 26 फरवरी और आज टनकपुर से दिल्ली के लिए चल पड़ी माँ पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि यहाँ के जो पहाड़ से जाने वाले लोग हैं दिल्ली की तरफ, उनको यात्रा आसान कराएगी। हालांकि इस ट्रेन का जो टाइम है वो काफ़ी है, क्योंकि घूमते हुए जाएगी। अगर ये बरेली से वाया रामपुर जाया करे तो समय कम लगेगा, कोशिशें जारी हैं। तो यहाँ पर अराइवल और डिपार्चर का व्यू, पूर्णागिरी जनशताब्दी इनॉग्रल जो ट्रेन है, उद्घाटन हुआ है आज इसका, जिसे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर टनकपुर से रवाना किया। ये पीलीभीत जंक्शन पर आते हुए इसका वीडियो भेजा है आशीष जी ने हमको। वीडियो भेजने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। तो बहुत ही खूबसूरत ट्रेन देखिए लग रही है, चमचमाती हुई LHB रेक पर यह ट्रेन है, ताकि तेज गति से चल सके और सुरक्षित यात्रा के साथ साथ आरामदायक यात्रा, जो यात्री इसमें सफर करेंगे, यात्रा करें जर्नी, तो उनको एक आरामदायक सफर मिले दिल्ली तक, इसकी कोशिश। नीले रंग के बहुत ही खूबसूरत डिब्बे देखिए नजर आ रहे हैं यहाँ से। तो पीलीभीत जंक्शन पर आते हुए जनशताब्दी इनॉग्रल ट्रेन आज, और इसी का डिपार्चर व्यू हम आपको दिखाएंगे वीडियो में आगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो पर। तो यहाँ से अब डिपार्चर पीलीभीत जंक्शन से आगे बरेली सिटी की तरफ, बरेली की दिशा में अब रेलगाड़ी जा रही है और रात तक दिल्ली पहुँचेगी। तो एक अच्छी शुरुआत है। टनकपुर से त्रिवेणी एक्सप्रेस के बाद अब जनशताब्दी एक्सप्रेस का शुभारंभ हुआ है। कम से कम इस रेलखंड पर अब रेलगाड़ियाँ जो हैं वो बढ़नी शुरू हो रही हैं और धीरे धीरे उम्मीद की जा रही है जैसे जैसे समय बीतेगा नॉर्मलसी वापस आ रही है और रेलगाड़ियां भी पटरी पर आएंगी और जनता को इसी प्रकार की जो और अच्छी ट्रेन्स हैं, कुछ दूरी की ट्रेन्स वो मिलें। तो पीलीभीत के साथ साथ जो टनकपुर और पहाड़ के, हमारे उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग हैं उनको एक सुविधा मिले। टनकपुर से एक रात में भी ट्रेन चलनी चाहिए स्लीपर कोच के साथ दिल्ली के लिए और देहरादून के लिए, विशेषकर जो राजधानी है उत्तराखंड की, ताकि लोगों को एक सुविधा मिले और वो अपनी मंजिल तक रात में सोएं और सुबह पहुंच जाएं। इस प्रकार की कुछ अगर व्यवस्था रेलवे कर दे तो फिर तो जितने भी यात्री हैं उनके लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा हो जाएगी। ये देखिए गति बढ़ाते हुए और जल्दी ही टनकपुर तक जब रेल विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो जाएगा तो जनशताब्दी एक्सप्रेस में आपको वैप लोकोमोटिव नजर आएगा। बहुत ही खूबसूरत नीले रंग के डिब्बे हैं, बहुत ही खूबसूरत ट्रेन और एक अच्छा तोहफा। माँ पूर्णागिरी का मेला भी शुरू होने वाला है, उससे पहले यात्रियों को एक अच्छी सौगात